ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं स्प्रिंग ऑनियन और आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और सिंपल है और बहुत टेस्टी लगती है। तो स्प्रिंग ऑनियन और आलू की सब्जी के लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसके छिलके निकाल कर धोकर काट लेंगे और 250 ग्राम इसमें स्प्रिंग ऑनियन है। एक बंडल स्प्रिंग ऑनियन का यूज़ किए हैं, इसको भी हम धोकर काट लेंगे। इसमें मसाले इस प्रकार यूज़ किए हैं, 1/2 चम्मच इसमें जीरा पाउडर का यूज़ किए हैं, 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किए हैं, 1/4 छोटा चम्मच इसमें हींग का यूज़ किए हैं, 1 छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर है और 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे और 2 साबुत लाल मिर्च है और 1/2 चम्मच इसमें साबुत जीरा है। 6 से 7 पीस इसमें लहसुन है, इसके छिलके हम निकाल कर रख लिए हैं और छोटे टुकड़ों में कटे हुए अदरक है, 1/2 इंच अदरक को छोटे टुकड़ों में इस तरह से हम काट लिए हैं। 1 टमाटर बड़े साइज में काट लिए हैं और 3 से 4 बड़ा चम्मच इसमें सरसों का तेल यूज़ करेंगे और आलू और स्प्रिंग ऑनियन को धोकर इस तरह से हम काट लिए हैं। आलू को हम अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा काट सकते हैं और स्प्रिंग ऑनियन का हम ग्रीन हिस्सा जो है वो अलग कर दिए हैं और वाइट हिस्सा को अलग कर दिए हैं और इस तरह से हम सफ़ेद पार्ट को इस तरह से हम लंबे आकार में काट लिए हैं। अब हम लहसुन और अदरक को कूट लेते हैं। लहसुन अदरक को हम या तो कूट लेंगे या फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से लहसुन और अदरक को कूट लिए हैं। अब गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई गर्म करेंगे और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल यूज़ करेंगे हम, और जब गर्म हो जाए तेल तब इसमें हम जीरा और लाल मिर्च साबुत डाल देंगे। उसके बाद हम सफ़ेद प्याज का हिस्सा को इस तरह से जो हम काटे थे उसको डाल देंगे और इसे भी नरम होने तक भूनेंगे और इसमें हम हींग डाल देंगे। हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से नरम होने तक पकाएंगे हम। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। उसके बाद जब प्याज नरम हो जाए तब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और आलू को भी हम इस तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब आलू भी भून गया है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। हम नमक पहले ऐड कर ले रहे हैं और इस तरह से आलू भी है 2-3 मिनट के बाद भून गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट डाल देंगे और उसको भी हम कच्चा स्मेल जब चल जाए तब तक भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, काली मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से चला लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम हरे प्याज को डाल देंगे और ये हरा प्याज का सब्जी बहुत जल्दी बन जाता है। ये नरम हो जाएगा, दब जाएगा, ये थोड़ी देर में कम हो जाएगा। तो इसको ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। देखिए ये कितना अच्छा नरम हो गया है हरा प्याज, बहुत जल्दी गल जाता है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, इस तरह से मिला लेंगे और इसको भी ढककर हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद हम जब ढक्कन हटाएंगे उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गल गया है, अच्छी तरह से गल गया। अब इसमें 2 चम्मच से पानी का यूज़ करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद ये बहुत अच्छा पक गया है, अच्छा से सब्जी तैयार हो गया है। स्प्रिंग ऑनियन आलू की सब्जी बनकर के तैयार है। इसे हम पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल के साथ भी हम खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो स्प्रिंग ऑनियन और आलू की सब्जी कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।